वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए 8 क्लास का मैथ जो है हम अभी एक्सरसाइज ग्रुप में करवा रहे हैं। तो आज की आपकी जो क्लास होने वाली है आप लोगों का सेकेंड चैप्टर है और आपकी थर्ड क्लास है। जो आप लोगों का सेकेंड चैप्टर है आप लोगों का उसका जो नाम दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मींस इसको आप लोगों के जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनका है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप लोगों के एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं और इसमें जो आप लोग क्या है कि आप पढ़ते समय थोड़ा बुक रीडिंग भी किया करो, इससे क्या है आप लोगों को जो बेसिक नॉलेज होती है पार्ट के बारे में वो आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसा कि मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, आप ही लोगों की मैथ्स की बुक है, ये रहा इसका ओरिजिनल कवर, ये आप लोग देख सकते हो। 8 क्लास का मैथ आप लोगों को करवाया जा रहा है। जो एनसीईआरटी वाले हैं कुछ स्कूल वाले भी इस कवर चेंज करवा देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो है सिलेबस सेम सेम है तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी, सेम क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज आप लोगों का जो है सेकेंड चैप्टर दिया गया है, क्या है चैप्टर? सेकेंड चैप्टर आप लोगों का कौन सा है? सेकेंड, एक चर वाले रैखिक समीकरण इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने सेवन क्लास जो लास्ट ईयर जो आप लोगों ने पढ़ा था बीजीय व्यंजक और समीकरणों के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी, तो हम इनके बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं कि कुछ उदाहरण इस प्रकार से आप भी बुक में ऐसे मैं खुद कहूंगा आप लोगों को कि आप बुक रीडिंग किया करो क्योंकि हर एक चीज आप लोगों की बुक में दिया गया है। अब आप लोग बताना चाहूंगा कि जो है लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण और यहाँ क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब जैसा कि आप लोग दिया गया है कि थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा, ध्यान दीजिए, अधिकतम घात एक से अधिक है। अब यदि समीकरण आपको जो घूम का चैप्टर दिया गया है इसमें थोड़ा सा आप रीडिंग कीजिए क्योंकि आप लोगों को जो है बहुत सी चीजें मैं आपको थोड़ा बोर्ड पर समझाना चाहूंगा। चर और अचर क्या होता है, द वेरी फर्स्ट में आपको चर और अचर समझाना चाहूंगा, चर और अचर क्या होता है आप लोगों का। ओके, मीन्स आपका वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होते हैं, चर जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा है कि चर यानी चल सकते हैं, जैसे कि x का मान कभी आप लोगों ने देखा है जीरो आता है, कभी x का मान एक आता है, कभी दो आता है, ये बदलते रहते हैं। मीन्स x, y, z, a, b, c, d जो कोई भी वैल्यू है वो बदलती रहती है, तो ये क्या कहलाते हैं वेरिएबल, मीन्स चर। और अचर, वन हमेशा वन रहता है, टू हमेशा टू और थ्री हमेशा थ्री, ये चलते नहीं है, अचर है। चर को चल में बदल दीजिए और अचर को अचल में बदल दीजिए तो आप लोगों को वेरिएबल और नॉन वेरिएबल आसानी से डिफाइन हो जाएंगे। अब मैं आपको आगे ले जाना चाहूंगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। मैं आपको बता चुका हूँ चर क्या होते हैं एक्स वाई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण मीन्स इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए एक और इसमें चर भी कितना होना चाहिए एक। अचर मीन्स मान लिया एक्स प्लस वन, दिस इज रैखिक समीकरण, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चर वाले हैं, हाँ है। अब यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है लीनियर इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई है दो। आप ही लोगों की बुक में दिया गया है, देखिएगा आप लोग बुक से थोड़ा नीचे आप लोग जा सकते हो, जैसे कि आपको दिया गया है कुछ व्यंजक दिए गए हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, तो आप लोग ये सब भी क्लियर कर लेना होगा जिससे क्या है आप लोग कोई भी परेशानी ना हो। इंग्लिश मीडियम वालों की बुक में सब कुछ दिया गया है। ओके, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों का जो है क्वेश्चंस की ओर लेकर के चलता हूँ, एक्सरसाइज आप लोगों से क्या कहता है, एक्सरसाइज 2.1 आप लोगों का बहुत ही ईजी है। जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को सबसे पहले क्या है समझाते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आपको ले जाना चाहूंगा आप लोगों की एक्सरसाइज की ओर। जैसा कि आप लोग पता है कि जब भी आप लोग मैथ पढ़ने के लिए आते हो तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो कुछ भी होगा कॉपी पेन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक्सरसाइज 2.1 आप लोगों का जो होने वाला है 2.1। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है एक्स माइनस टू और स्क्वायर टू सेवन। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनमें मैं आपको एक ट्रिक नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपको एक साधारण सा तरीका बताने वाला हूँ कि इसमें आप लोग करना क्या है, जो आपके वेरिएबल होते हैं उन्हें एक साइड करना है, नॉन वेरिएबल होते हैं उनको एक साइड, मीन चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ करना है, जिससे क्या है आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में यही करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। थोड़ी सी और हिंट देना चाहूंगा आप लोगों को यदि जानकारी हो तो, जैसे ये हमारा इक्वल का साइन होता है, मीन बराबर इसको हिंदी में कहते हैं, यदि इधर माइनस का टू लिखा गया, यदि ये इक्वल के साइन के इधर आता है प्लस का टू हो जाएगा। ओके,
यदि ये 1/2 लिखा है और इधर लिखा हुआ है x, तो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो मींस कहने का मतलब प्लस का जो होता है इक्वेशन इक्वल के इधर जाने का पॉजिटिव हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, यदि डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाता है, मींस ये 2x = 1 आ जाएगा। और यदि मल्टीप्लाई में है सेम, तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, x = 1/2 हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज है दोस्तों, आप लोगों को आना चाहिए, और फिर भी कोई परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर विद एग्जांपल आप लोग हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। बस अब आप लोगों का जो एक्सरसाइज चल रहा है, उस जो वीडियो चल रहा है उस एक्सरसाइज से कोई संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हो, अदर एक्सरसाइज का जो आपको पता है कि पूरा का पूरा मैथ हम लेकर के आने वाले, तो आप लोग कोई परेशानी उसमें नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के सामने, तो इसको शुरुआत करते हैं। मीन्स ये आपका वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जो थे अचर, अच्छा ये होते हैं, तो नॉन वेरिएबल इधर लेकर क्या, ये प्लस का 2 हो जाएगा, देन इसको ऐड करते हैं, देन इसका मान कितना आएगा 9, वैल्यू x = 9, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, अब आपको इसमें कोई परेशानी है क्या? यदि कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स हाजिर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन जो दिया गया है मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन करवा के दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं करवाना फालतू है। जैसे कि अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है y + 3 = दिया गया है आप लोगों का 10 दिया गया है, तो इसमें भी आपको सेम कंडीशन करना है, y = 10, और ये मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड, तो इसको देख लेके आते हैं माइनस भी हो जाएगा, देन ये आपका 7 आने वाला है, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देते। मैं आपको ले जाने वाला हूँ अगला जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्या है फिर से बोलना चाहूंगा, यदि हम एक एक सवाल करवाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, परेशानी होगी तो आप ही लोगों को, क्या कि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करूंगा कि एक एक सवाल करवाने की कोशिश की जाए। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों से कहता है z + 2, इधर 6 = 2 आता है, सॉरी थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 6 = z + 2, इसमें क्या है आपको जेड का मान फाइंड करना, मीन्स आपको सीधा सीधा मैं आपको बोलना चाहूंगा जो आपका वेरिएबल होता है उसी की स्क्वायर आपका आंसर आता है, मीन्स z = 2 क्या आएगा, इसको यदि लेके आते हो तो 6 - 4 हो जाएगा, देन z = 2 आपका आने वाला है, सॉरी से ये 2 होगा और आपका 4 आपका आंसर होगा। ओके, ये था आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन, कोई भी परेशानी हो तो फिर से बोलूंगा संडे कमेंट बॉक्स प्रेजेंट है। ओके, इसके साथ आपका अगला जो क्वेश्चन है जो आप लोगों को परेशानी थोड़ा बहुत देगा, ऐसा कोई खास इसमें नहीं है लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा है। 3/7 + आपका दिया गया x = 17/7, ये आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोगों के लायक है, आपको पता है आप लोग होशियार हो चुके हो बहुत ही ज्यादा, जब से क्लास ली है जब से आप लोगों का दिमाग थोड़ा ज्यादा चलने लगा है, करना कुछ भी नहीं है, सेम वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड, अचर और चर राशियों को अलग अलग करना है, तो इधर आपका x आएगा, देन इधर आपको क्या लाना है 17/7, एंड ये आपका माइनस आएगा 3/7, नो प्रॉब्लम। इनको किस प्रकार से हल करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इससे पहला वाला चैप्टर था आप लोग क्या था रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है, देन इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो x² आपको क्या आने वाला है इसका, यदि डिनोमिनेटर में 7 आएगा और इसको लेते हैं तो ये 17 माइनस का 3 आएगा। ओके, और ये आएगा आपका 14/7, एंड ये आपका कट जाने वाला है 2, आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्या होगा 2। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा इसके बारे में, 17/7 = दिया है 3/7, इसको आप सोच रहे होंगे सीधा कैसे रख दिया, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम तो आपको पता ही है कि क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, जिन संख्याओं का हम एलसीएम ले रहे हैं उस संख्याओं से, उस संख्या में जिसको हम मान रहे हैं वह छोटी छोटी संख्या, उसमें यदि डिवाइड चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं एलसीएम। ओके, तो इसका एलसीएम कितना होने वाला है 7, और ये आप लोगों का अब इससे क्या करते हैं इसमें डिवाइड देते हैं, इस चीज में यदि आप डिवाइड दोगे 1 टाइम जाएगा, ऊपर इसका मल्टीप्लाई करो 17, सेम कंडीशन यहाँ, इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर आप लोगों लेकर के चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन दिया गया है सेम लगभग वेरी इजी, मैंने आपको एक टाइम बताई थी अभी आप लोगों को, क्या बताया था जैसे फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है 6x = 12 कहता है, देन x का वैल्यू क्या होगा मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलेगा 12/6 आएगा, इसको यदि कट करते तो x = आप लोगों का 2 आंसर होने वाला है, यहाँ आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे आपको ले आना चाहूंगा 6 नंबर का सवाल, आप लोगों से क्या कहता है 6 नंबर का सवाल दिया गया है t/5 = 10, t/5 = 10 दिया गया है,
तो इसको यदि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, दैट मींस 10 इंटू 5 आप लोगों का कितना हो जाएगा 50, मींस डी का मान कितना आ गया आप लोगों का 50, ओके। इसी के साथ आप लोगों का जो अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, आप आज की एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली है मेरी समझ में आ रहा है, आप लोगों को कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी क्लासें हम उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आए हैं जो अपने गांव में रहते हैं या जिन अपनी कोचिंग जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो एक एक सवाल एक एक क्वेश्चन एक थ्योरम हर चीज आप लोग क्लियर करवाइए, आप लोग किसी भी चीज की कोई भी परेशानी हम नहीं आने देंगे। और ये एकेडमिक क्लासेस आप लोग अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना है क्योंकि ये आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 सारी क्लासें आप लोगों को उपलब्ध करवाने वाले हैं और जल्द से जल्द हम आप लोग 11, 12 भी लेकर के आने वाले हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है 11, 12 में दोस्तों, क्योंकि वहां पर क्या है सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन हो जाता है, तो आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं मीन्स कॉमर्स और आर्ट ये साइंस, इन सभी लोगों को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो जल्द से जल्द हम उसको भी आप लोगों के लिए जो है अरेंज करवाने की कोशिश करते हैं, ओके। इसी के साथ ही आप लोग अपने बड़े भाइयों को और आपके छोटे जो भाई उन लोगों सभी को बता देना है कि आप लोगों के लिए प्रकार की सुविधाएं एमसीजी अकेडमी ग्वालियर पर उपलब्ध है। इसी के साथ आप लोग अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ, 7th नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है 2x y3 = 18 दिया गया है, देन आप लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना होता है, ये आप लोगों को पता है डिवाइड में तो इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मीन्स 2x² आपका हो जाएगा 18 × 3, देन आप लोगों का x क्या होगा ये हो जाएगा 18 × 3 एंड अपॉन आप लोगों का आएगा 2 से डिवाइड देते हैं इसको, इससे कट करेंगे 9 × 9 = 27, आप लोगों को टेबल नॉर्मली याद होना चाहिए 30 तक, और इसी के साथ ही आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 30 तक तो आप करना ही होगा, साथ ही साथ स्क्वायर रूट भी आप लोगों को 30 तक याद होना चाहिए एंड क्यूब भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ये सब आप लोगों को परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने वाले और कम से कम समय में आप लोगों को सवाल को हल करने में सहायता करने वाले सेट है, ओके। इसी के साथ मैं आप लोगों अगले क्वेश्चन की ओर जोड़ना चाहूंगा, 8 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है क्या कहता है 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों, 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है 1.6 स्क्वायर टू दिया गया बाय और वाई 1.5 दिया गया, ओके। देन करना कुछ भी नहीं है, फिर से बोलता हूँ आप लोगों का सीधा इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में 1.6 × 1.5 हो गया, इसका आप लोग क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर से पॉइंट ही देखना चाहूंगा, हाँ पॉइंट भी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आएगा 15 × 90 होता है 19 का 0 और 9 और 15 × 15 मींस ये आप लोगों का होने वाला है 24। अब आपको क्या करना है 2 ये आपको डिसिमल लगाना आना चाहिए, डिसिमल किस प्रकार से यूज करते हैं इसको काउंट करते हैं पीछे से 1 अंक बाद और इधर से 1 मिनट, टोटल 2 अंक बाद आप लोग का डिसिमल आना होगा, तो 1 और 2 आप लोग का 2 अंक बाद डिसिमल यानी 2.4 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इसी के साथ आप लोग का अगला जो क्वेश्चन दिया गया 9th नंबर का उसकी ओर चलता हूं, 9th नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है दोस्तों, 9th नंबर का क्वेश्चन कहता है आप लोगों से बहुत ही ज्यादा कुछ बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या 7x - 9 = आपको दिया गया 16, ओके। और इसमें कहने को है कुछ नहीं लेकिन आप लोगों को मैं शुरुआत में ही समझा चुका हूं क्या एक और वेरिएबल एक और नॉन वेरिएबल, चर राशियां अचर राशियां दोनों और अलग अलग कर लीजिएगा, मीन्स आप इसको इधर लेकर के आना है, इसको यदि आप ज्वाइंट करते हो एड करते हो तो आपको होने वाला है 25 और ये होगा आप लोगों का 7x, तो आप लोगों का जो आंसर होने वाला है 25y7 आप लोगों का राइट आंसर इसमें होगा, ओके। इसी के साथ आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्या 10th नंबर का क्वेश्चन, फुल एक्सरसाइज एक एक सवाल का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करवाया जाएगा, डोंट वरी बी हैप्पी, ओके। इसी के साथ जो आप लोगों का 10th नंबर का क्वेश्चन है, आज का वीडियो जो है बहुत ही शॉर्ट वीडियो हो चुका है क्योंकि आप लोगों का तो एक्सरसाइज बहुत छोटा था मेरा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 by - 8 = आपका दिया गया 13, ओके। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, मैं कुछ चेंज तो कर नहीं सकता, जो चीजें हैं सो हैं, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए बस, मैं आपको बेसिक जो शुरुआत में जो आपके लिए 2 से 5 मिनट का जो लेक्चर टाइप रहता है ना कि चर क्या होता है, मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होता है नॉन वेरिएबल क्या होता है और आपका रैखिक क्या होता है, ये सब चीजें आपको बस ढंग से समझ लेनी है तो आप लोगों को एक्सरसाइज में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या शुरुआती स्किप कर देते हैं और क्या सीधा वहां पहुंचते हैं एक्सरसाइज पे, शुरुआती लेक्चर आपको लेना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यही चीजें आपको क्लियर करवाती है कि आपको आगे क्या होने वाला है, जिसके साथ ही आप लोगों को इसको इधर लेकर के जाना है, फिर प्लस का 8 हो जाएगा नो प्रॉब्लम, इसको यदि आप 8 करते हो 21 एंड ये आपका 14 बाई इधर है ही,
बाईस कर लो तो क्या होने वाला है 21/14 मीन 7 से इसको कट करते हैं तो 3/2 आप लोगों का जो राइट आंसर होने वाला है 10 नंबर का क्वेश्चन। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया था 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से क्या कहता है ध्यान से सुनना कहता क्या है। क्वेश्चन जो है आपसे कहता है दोस्तों क्वेश्चन कहता है आप लोगों से क्या 17 + 6p = 9 आप लोगों को चीजों को बस ध्यान से समझना है रखना कुछ भी नहीं है बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को क्लास में बिल्कुल अंत तक बने रहना है ओके। तो आप लोगों को देखना है कि वेरिएबल एक साइड नॉन वेरिएबल एक साइड चर राशि एक साइड करना है और अचर राशि आपको एक साइड करना है। इसके साथ ही आपको 6p = क्या होने वाला है 9 - 17 भारी पड़ गया महाराज ये को माइनस में आने वाला है बिल्कुल ही क्योंकि आपको जो इसमें आने वाला है क्या आएगा आप लोगों का आने वाला है 8 वो भी माइनस के साथ p = 6p - 8/6 यदि कट करते हैं 2 = 4 + 8 + 2 = 6 माइनस का 4/3 आप लोगों का जो राइट आंसर इसमें होगा ओके। इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ आप इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक आप लोग देख लेना जिस प्रकार से आप घटाते हो तो आप लोग थोड़ा सा परेशानी आती होगी या कुछ हमारे भाई बंधु हैं सीधा मतलब बैठ जाते हैं 1 2 3 4 5 काफी इंटरेस्टिंग होता है करने में लेकिन फिर भी हम लोग परेशानी होती है टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होता है। इसी के साथ हमको क्या करना है जैसे कि आप लोग देख लिया कि 7 में 9 घटाना है तो सीधा सीधा आप कितना घटाइएगा 10 7 बचा 1 ऐड कर दीजिएगा इधर से घटाकर इधर तो इससे क्या है आप लोग का जो छोटी छोटी आधा जगह आप छोटा छोटा टाइम देते हो ना उसको मिलाकर के आप बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हो आप कभी इसको रियलाइज जरूर करना ओके। इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज लास्ट सवाल है उसकी ओर लेकर के चलता हूँ दोस्तों आप लोग ऑफलाइन कमेंट में आप संडे कमेंट बॉक्स इस प्रकार से हाजिर होगा यदि आप एग्जाम्पल के भी सवाल लगाते हो आपको वहां पर भी कोई परेशानी आती है तो आपको एक एक चीज क्लियर करवा के देंगे आपको कोई परेशानी हम नहीं आने देंगे। आप लोग क्या कहता है x/3 + 1 और ये होगा आपका 7/15 होगा तो इसको शुरुआत करते हैं क्या सीधा x/3 वेरिएबल एक साइड नॉन वेरिएबल एक साइड तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा ओके। इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होगा यहां तक। अब इसका आप क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं इसका यदि आप एलसीएम लोगे तो कितना 15 ही आना है ये हो जाएगा 7 - 15 हो जाएगा ये आपका एक्स बट अपॉन 3 है इसको मिटा दूं कोई परेशानी आपको नहीं होगी नोट कर लिया होगा सभी छात्रों ने ये होगा आपका x/3 होगा यहाँ अब ये आपका इसमें से घटाना होगा तो इसमें आपको घटाना होगा तो कितना होने वाला है आप लोगों का 8 कोई माइनस के साथ तो ये आप लोगों का 15 ओके। अब ये क्या है इधर जाएगा डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाना ही है 3 होगा अपॉन 15 इसको काट देना है 5 टाइम्स जाएगा मीन्स आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा माइनस का 8/5 आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो आप लोगों का वीडियो होने वाला है वो होगा आप लोगों का अगली एक्सरसाइज को लेकर जब तक के लिए आप सभी लोग पुराने जितने भी सवालों को करके देखना है फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करवा दिया है 2.1 भी आप लोग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों एग्जाम्पल को जरूर लगा करके देखिएगा हमारा एक ही टारगेट है कि आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई भी किसी भी सवाल में कोई परेशानी ना खड़ी हो। मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैनल पर आपको साइंस सोशल साइंस इंग्लिश मैथ और यहां तक परीक्षा के समय जो आपको बोर्ड क्लासेस 9th-10th में हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और संस्कृत भी आपको एकेडमिक ग्रुप में सभी क्लासों में उपलब्ध करवाने की जो है व्यवस्था की जाएगी तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में भी शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।